हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश, और आप देख रहे हैं स्टडी विद आकाश। तो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियोस में बातें कर रहे थे कि लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, और हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कौन सा कार्बन लीनियरली अरेंज है, कौन सा कार्बन नहीं है। तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक भी बताई हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक एक बार याद दिला देता हूं कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, उससे लगे हुए कार्बन जो होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक है। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं उस लीनियर अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो हम लोगों ने सिंपली सीखा था कि जब sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है तो उससे लगे हुए कार्बन भी लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटाइन 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बात तो ये ब्यूट है, मतलब जो इसका एल्क है वो ब्यूट है, मतलब चार कार्बन होंगे इसमें, कम से कम चार कार्बन होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, कम से कम इसमें चार कार्बन होंगे, ठीक है। ये तो हो गया ब्यूट की बात, ये हो गया आपका एल्क, ठीक है, ये हो गया आपका एल्क। और ये जो आयन है, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, आयन। आयन का मतलब क्या होता है, ये एन इन आयन, ये आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एन में सिंगल बॉन्ड होता है, इन में डबल बॉन्ड होता है, और आयन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आयन यहाँ पे दिया है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक एक मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो जरूर है, मस्ट है, क्योंकि इसमें आयन दिया है, और बाकी इसमें पोजीशन दे दिया है कि वो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 2, का मतलब जो कार्बन नंबर 2 है उस पे आयन लगा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, फिर इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि लीनियर मतलब इसमें कौन सा शेप मतलब सही है, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा है लीनियर अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। यही हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा शेप सही है। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि ब्यूट हमसे पूछ रहा है, मतलब चार कार्बन हम लोग ले लेते हैं, सिंपल मतलब सिंपल इसके हो गए चार एल्क, ठीक है, चार कार्बन हो गए, इसका ब्यूट एल्क हो गया ब्यूट। और चार कार्बन के बाद हम लोग देखते हैं ब्यूटाइन 2 दिया है, आइन 2 मतलब एक, अगर एक नंबर इसको कार्बन मानते हैं, दो नंबर इसको मानते हैं, तीन नंबर इसको मानते हैं, चार नंबर इसको मानते हैं, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमको क्या चाहिए, आयन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब ये पूछ रहे हैं अरेंजमेंट क्या होगा, हम लोगों ने सिंपली कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों से पूछ रहा है अरेंजमेंट क्या होगा, कौन सा सही है। तो हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं उनसे लगे बगल वाले एटम भी लीनियर अरेंज होने चाहिए, ठीक है, वही स्ट्रक्चर सही होगा आपका, वही राइट होगा, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, मैं आपको चारों ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शन ट्रिक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से आंसर निकाल सकें, ठीक है। इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है, ये देखिए लीनियरली अरेंजमेंट है क्या, अगर आप सबसे पहले sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देख लीजिए, सबसे पहले ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज। मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ पिछली वीडियो को देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको ऐसी ट्रिकी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ये, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज ये है, sp हाइब्रिडाइज ये है। सेकंड में भी चूज कर लेते हैं पहले हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज, हमको sp हाइब्रिडाइज ही देखना है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप जो होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप लीनियर होता है। तो ये sp हाइब्रिडाइज हो गए, ये sp हाइब्रिडाइज हो गए, और ये sp हाइब्रिडाइज हो गए, यहाँ पे एक कार्बन और रहेगा, सॉरी इसके लिए यहाँ पे आयन रहेगा, ठीक है, और ये एक sp हाइब्रिडाइज ये भी हो गए, और sp हाइब्रिडाइज ये भी हो गए, sp हाइब्रिडाइज ये भी हो गए, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगे हुए अदर एटम भी लीनियर अरेंज होने चाहिए। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुछ की लीनियर अरेंजमेंट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में लीनियर अरेंजमेंट है, और सब में ये क्या लीनियर है, ये लीनियर है, यू शेप है, ये क्या है जेड शेप आप कह सकते हैं, ये क्या है आपका एल शेप आप कह सकते हैं, और लीनियर केवल एक ही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी आपके लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन मैंने करा दिया ताकि इसको आप जल्दी से सीख जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, नई नई वीडियोस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या फिर कोई भी केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, मैं बाद में आपको आगे चल के नई वीडियोज आपको ट्रिकी वीडियोज और दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।